हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आप सभी को बताएंगे कि क्लच पे पैर रख के कार चलाने से क्या होता है, जो कि 80% चालक वो जब कार को चलाते हैं तो अगर वो थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में या फिफ्थ गियर में भी कार को चलाते हैं तो वो क्लच पे पैर रख के कार को ड्राइव करते हैं। तो ये गलती आप लोग ना करें। अगर आप क्लच पे पैर रख के कार को चलाते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या होगा? पहली चीज़ तो आपकी कार एवरेज नहीं देगी, क्योंकि अगर क्लच आपका दबा रहेगा तो इससे कार खुल के चलेगी नहीं, और इसमें जो है फ्यूल की खपत ज़्यादा होती है और धीरे धीरे क्लच प्लेट जल जाता है। क्योंकि जब भी आप ड्राइव करें तो क्लच की ज़रूरत हमें सिर्फ होती है गियर को लगाने के लिए, गियर को डाउन करने के लिए, या फिर जब आप फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में चलते हैं तभी आपको क्लच की ज़रूरत होती है, तो तभी आप लोग क्लच पे पैर रखें। और बाकी अन्यथा अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, तो आप लोग क्लच पे पैर रख के ड्राइव ना करें। इससे क्या होगा कि क्लच प्लेट जल्दी जो है ख़राब होता है और जो है गाड़ी खुल के चलती नहीं है और एवरेज पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए अब हम आप सभी को बताते हैं कि आप लोग क्या गलती करते हैं कि क्लच प्लेट जल जाता है और जो है क्लच का जब यूज नहीं है तो आप क्लच पे पैर रख के ड्राइव ना करें। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं, ये है एक्सीलेटर पैडल और ये है ब्रेक पैडल और ये है क्लच पैडल। तो क्लच पैडल का यूज यही इतना है कि जब आप कार को चलाते हैं तो जब आप कार को स्टार्ट करते हैं तब आपको क्लच दबाना है, और जब आप गियर को लगाते हैं तब क्लच दबाना है, ये जब आप गियर को डाउन करते हैं तब क्लच दबाना है। और बाकी जो सबसे ज़्यादा यूज होता है क्लच, वो आपका फर्स्ट और सेकंड गियर में यूज होता है। और बहुत से चालक क्या करते हैं कि वो थर्ड में कार उनकी चल रही है तो पैर ऐसे लटकाए रहते हैं, मतलब ये दबा नहीं रहता है लेकिन पैर इस पर रखे रहते हैं, और कार उनकी 40 पे, 50 पे, 60 पे चल रही है, या बहुत से लोग 100 पे भी कार को चलाते हैं तो भी जो है उनका पैर इसी पे रहता है। तो ये दिख रहे हैं अभी हम हल्का सा पैर इस पर रखे हैं तो क्या है, हल्का पैर दबा हुआ है, मतलब हल्का क्लच दबा हुआ है। तो इससे क्या होगा, इससे इंजन खुल के चलेगा नहीं और इससे क्लच प्लेट जल्दी घिसता है। तो आप सभी लोग जब भी आप कार चला रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि क्लच पे पैर ना रख के ड्राइव करें, क्योंकि बहुत से लोगों का जो है पैर ऐसे इस पे रहता है, वो सोचते हैं हम दबाए नहीं हैं लेकिन रखे हैं। यहीं तो आप लोग देख रहे हैं ये हल्का सा पैर दबा हुआ है, अगर आप हल्का सा भी इस पर सपोर्ट देते हैं तो देखिए हल्का सा क्लच नीचे दबा है। तो ये आप गलती ना करें, जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो इस पैर को यहाँ पे रखने एकदम, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर में ही क्लच की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो अगर आप जब स्पीड में चला रहे हैं तो कार आपको कंट्रोल कर रहा है तो ब्रेक पर पैर रखिए, ठीक। इस तरीके से आप पंजा चलाएं और एक्सीलेटर और ब्रेक पे यूज करें, क्योंकि स्पीड में क्लच की ज़रूरत नहीं है तो आप इस पर पैर ना रखें। और बहुत से लोग गलती ये करते हैं, जब वो कार कंट्रोल करते हैं तो रहता है उनका पैर क्लच पे, तो क्या करते हैं इधर ये क्लच भी दबा दिए और ये पैर ब्रेक पे रख लिए। तो आप जब क्लच दबा दिए तो क्या होगा, इंजन फ्री हो जाएगा। जब इंजन फ्री हो जाएगा तो ब्रेक का असर कम हो जाएगा, तो जो स्पीड में कार चलाते हैं इसलिए जो है वो उनकी कार लड़ जाती है, क्योंकि वो साथ में क्लच भी दबा दिए और फिर जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का असर कम हो जाता है और कार जाके लड़ जाती है। तो क्लच की ज़रूरत हमें फर्स्ट और सेकंड गियर में ज़्यादा होती है, और बाकी जब आप गियर लगा रहे हैं तब क्लच दबाना है, जब गियर डाउन कर रहे हैं तब दबाना है। बाकी जब भी आप थर्ड गियर में कार को चला रहे हैं तो इस पे पैर रख के ड्राइव ना करें, केवल फर्स्ट और सेकंड पे ही आपका वो भी हाफ क्लच की ज़रूरत होती है। और जैसे ही आपको जगह मिल गया, पूरा क्लच छोड़ दिया, तो क्लच पे पैर मत रखिए, यहाँ पे रखें। अगर 20 से नीचे स्पीड आ रही है तब आप क्लच का यूज करें, अगर 20 से ऊपर है स्पीड तो आप पहले ब्रेक लें, जब कार स्लो हो जाए तब क्लच दबाएँ। अगर आप चाहते हैं कि क्लच पे जल्दी ना घिसे, हमारी कार एवरेज दे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लच पे रख के पैर आप ड्राइव ना करें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर में ही आपका क्लच यूज होता है। और बाकी जो है जब भी आप कार कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको ब्रेक से कार कंट्रोल करना है, और इस तरीके से आप पैर रखें कि ताकि एक्सीलेटर और ब्रेक यूज हो सके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्लच पे पैर रख के ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रेंड, हम आशा करते हैं मेरे ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।